बिल्डिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 बिजली 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 डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद, एलजी सरकार मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद। सरपंच साहब, आज रात को कैसी परेशानी आएगी आपको लखनपुर पावर हाउस में प्रोटेस्ट करना पड़ा? मैं सरपंच बचन सिंह, पंचायत करड़ो, ब्लॉक किनी कनियाल। ये परेशानी आज की नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रही है और ये मुझे साजिश भी लगती है, क्योंकि एक साजिश होती है कि पहले लोगों को तंग करो, तंग करने के बाद ऐसा काम करना है कि जब जैसे अब लाइट बंद हुई है, काफ़ी दिन से बंद हो रही है, 8-8 घंटे कट चल रहे हैं, रात को भी कट चलते हैं, जैसे कभी 8 बजे लगाते हैं, 8 बजे कट लगाते हैं, 10 बजे छोड़ते हैं, फिर 12 बजे लगाते हैं, दोबारा 2 बजे छोड़ते हैं, कल उन्होंने परसों ने 2 बजे लगाया था और 4 बजे ने बत्ती छोड़ी थी, और पूरा दिन और पूरी रात ऐसा ही काम चलता रहता है। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जब लाइट जाती है तो आजकल आदत ही ऐसी बन गई है सबको कि लाइट के बिना कोई भी नहीं रहना चाहता। लाइट हो तो नींद आती है, लाइट नहीं हो तो नींद नहीं आती है, तो ऐसे काफ़ी दिनों से चल रहा है। और कल लखनपुर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अच्छी बात है, और कल थोड़ा रात वाला कट नहीं लगाया और आज दोबारा यही काम शुरू कर दिया। हमारे गांव के नौजवान यूथ ये कल बड़े दिनों से बोल रहे थे कि चलो जी प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करना है, बोले नहीं यार थोड़ा वेट करो, हो सकता है कोई फॉल्ट ना हो, लेकिन अब हमने देखा नहीं, ये तो बात हद से ज़्यादा हो रही है, कट लगातार हो रहे हैं और इतना गर्मी पड़ रही है, इतनी उमस है कि क्या बताऊँ, कि इतनी गर्मी है कि दिन को आप खड़ा नहीं हो सकते, आप पेड़ के नीचे भी बैठ जाओ कोई पत्ता नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी में अगर लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। और सरकार और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पता नहीं क्या सोच रही है, किसके इशारे पर चल रही है, मुझे तो लगता है ये साजिश है किसी की कि थोड़ा देर लोगों को तंग कर लो और बाद में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो 24 घंटे बत्ती चलाएंगे और लोगों देखो जी ये हो गया, ये साजिश भी होती है। और तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जैसे ये हाल है, अगर रात को लाइट जाती है, हम आज के दिन देखेंगे, कल के दिन देखेंगे और कल शाम को हम प्रदर्शन करेंगे पुरजोर से, क्योंकि कल तो थोड़े लोग आए थे, आज हमारे गाँव के थोड़े यूथ आए हैं, और कल शाम को हम हमारा ये वाला फीडर है, माँ आया इसमें, जंडोर है, ननाल है, करड़ो है, पाटी है, काफ़ी सारा इलाका है, और लखनपुर भी है, उनका अलग फीडर है, लेकिन शेड्यूल है जो लाइट का वो इकट्ठा ही है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। लेकिन लाइट के बिना अब इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें जीना मुश्किल हो रहा है। पहले था कि थोड़ी इतनी लाइट नहीं जाती थी, जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है 24 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन आज देखो तरक्की किस बात पर जा रही है, लाइट नहीं है, लाइट की इतनी बुरी हाल है कि जीना मुश्किल हो चुका है, 24 घंटे लाइट है, ठीक है, बाकी इलाकों में गवर्नमेंट बोलती है कि 24 घंटे लाइट चलेगी, लेकिन लाइट जो है 2 घंटे बाद आती है, 2 घंटे बाद कट हो जाता है, ऐसे में कैसे चला जाएगा। और अगर ऐसा अगर रहा कल भी, शाम को हम दोबारा मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कल का क्या करना है। पहले तो हम बिजली डिपार्टमेंट के जो कहते चीफ हैं, कोई मेन है, स्पीड AWE है, JE है, एक्शन साहब हैं, उनसे बात करेंगे, नहीं अगर हल निकलता है फिर शाम को हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और लखनपुर जो कमेटी है यूथ फेडरेशन उससे भी सलाह मशवरा करेंगे और सारे इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे। क्यों ऐसा रहा, एक तो ये प्रदेश द्वार लखनपुर है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है,
अमरनाथ यात्रा जैसे ही शुरू होगी कोई यात्रु आएगा दुकान पे बैठेगा कोई चाय पिएगा, अगर लाइट नहीं होगी तो कैसा संदेश जाएगा हमारी स्टेट का। और एक बात मैं और बता दूं, जो पानी का स्रोत है लाइट बनाने का वो हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल का ही है, पानी हमारा है, सब हिमाचल का पानी है और हमें लाइट नहीं है, हमें सब स्रोत हमारे, लेकिन उन स्रोतों का फ़ायदा हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इतना नुकसान हो रहा है हमारा। और आगे एक पिछड़ी स्टेट है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं, पिछड़ी स्टेट है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं, उनके जो फंड्स देते हैं उस पर चलते हैं, तो क्या कहते हैं उसके बाद भी हमारा क्या बताएं, बहुत दुखी हो चुके हैं। अगर लाइट अगर ऐसा ही हार रहा तो कल हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी मीटिंग करेंगे कल जो पीडीडी डिपार्टमेंट के सीनियर हैं उनसे और अपने जिन्हें भी गांव की समिति हैं उनसे बात करके फिर हम डिसाइड करेंगे कल क्या करना है। जंग भरा क्या आते हैं वो क्या आते कि गर्मी कन्नै एक बंदा स्कैंडी नहीं सकता, अज एक नौजवान बंदा उसकी हालात गर्मी की इन्नी हालात ज्यादा है तो जो छोटा बच्चा है जो बुजुर्ग है उसकी हालात होगी। आखने मतलब है कि सरकार वो गरीब की मदद करने वास्ते बनती है, जिन्हें भी ब्यूरोक्रेसी अफसर ने डिस्ट्रिक्ट कठुआ डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कुछ वास्ते लोगों वास्ते तनखा मिलती है, लोगों गरीबें काम करके तो तनखा मिलनी है। अज लोगों के इन्ने कट पवा दे बत्ती दे अठ अठ घंटे तो मतलब 12 घंटे दिन होंगे 24 घंटे रात होंगी टोटल दिन और रात तो 8 घंटे जितने घंटे कट होगा तो गरीब बंदा मरेगा जिएगा। अस प्रशासन कन्नै इयो मांग करने कि जरा कट है कम से कम 1 घंटा होना चाहिए या 1.5 घंटा ताकि लोगों ही राहत मिले बत्ती की, जिस सब तो गर्मी च मेन चीज़ बत्ती होंगी है, बत्ती हर चीज़ चलती है, जब बत्ती नहीं है तो उत्थे उस ग्रां च जां उस शहर च की है कुछ नहीं है। हुण दिक्खो अज्ज अमरनाथ यात्रा चली पई दी है, बाहर दे बंदे आने हैं, बाहर दे आउट ऑफ स्टेट दे गुजरात दे महाराष्ट्र केरला दे, अगर साडा प्रवेश द्वार लखनपुर च यात्रू आएगा उन्हें दुकाना भी जाना भल्ले भी खाने हर चीज़ उन्हें दिखा दिखनी, तो उत्थें बत्ती नहीं है, जिस एरिए बत्ती नहीं है इन्हें आख्या भाई सबका साथ सबका विकास, अज यह हालात है मिस नाल विकास लुभिया तो नाल भी साथ लुभिया। अज लोग सड़क बनना नौजवान सड़क पर जहाँ देश चला किसान देश मजबूत करता खोखला चुके खोखला। मैं मीडिया माध्यम बोलना कि उठो जागो सारे जिन्हें भी हिंदुस्तान के साढ़े नौजवान है जोड़े अफसर या सरकार काम नहीं कर दिया उसके खिलाफ संघर्ष करो, ताइए साढ़ी अज सा बचा है, अगर तो संघर्ष नहीं करिए सा कोई बचा नहीं है। मैं दोबारा मीडिया माध्यम बोलना कि जी बत्ती का कट जो लाला है मैं डिस्ट्रिक्ट जे साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब या एक्शन पीडीडी कठुआ दे मेरे हाथ से विनती है कि अगर तुसें नौकरी करनी है जनता की नौकरी तो अपनी नहीं है जनता ही नौकरी करनी है तो लोगों की राहत दियो, राहत मिलगी उन्हें भी जाने थोड़ा सुख मिलना, सुख ने दुआ मिलनी, अगर यह हालात हो गए उस लोग आपस में बदुआ मिलनी। तो मैं मीडिया में द्वारा बोलना कि जी कट है ये कम से 1 घंटा करो ताकि साढ़े जितने भी साढ़ा एरिया है कंडी बैल्ट हो या शहर हो सारा बत्ती पीनी है, 32 घंटे उन्हें लैनी है तो पानी पीना, जिस ग्रां च बत्ती नहीं है जिस शहर च बत्ती नहीं है उतो कुछ भी नहीं है। जय हिंद जय भारत। देखो अरे यार सुनो बड़ी लम्मी गल नहीं करनी है ठीक है, जल्द बखा पता बड़ा बुलवा नहीं है, बड़ी इंटलैक्चुअल अं गल करनी नहीं है, सीधी साफ गल है कि जड़े बंदे सारी ध्याड़ी खपते ना काम करते जल्द शामी पुत्र रोटी खान बौंदे ना तो थोड़ी बत्ती का कड़ाका बची है, जो टिटू मकोड़ो बिच पे बखरे गर्मी दुखी हो बखरे। अच्छा पुछ मंग कोई नहीं, ये जड़े बड़े बड़े अफसर ने जोड़े उपर बैठे ने चलो सानू नहीं पता के पता कोई उनकी मजबूरी है कट लाने या नहीं है, इन्ना दमाग होना चाहिए बंदे का कि जल्द स्याले दिन बत्ती लोड़ घट होंगी भरावा तुम उसलै पूरी कर लिया करो, अं नहीं स्याले दिन की क्या भी राती इं बत्तियां जिंदी होता खरी भली रही और कट्टी लिया करो, गर्मी इसलिए राती 2 बजे कट लाना न्याणे का पूरे पिंड चलैं चलैं पी जाता है यार शर्म होनी चाहिए, धुड़ा तो टब्बरदारी नहीं है तुरी बड़े बड़े इनवर्टर ला लिया सोलर पैनल ला लिया तुम्हें तंगी कोई नहीं, साढ़े वाला जिन्ना आराम होता इतने सवेरे लिए शामी का फैक्टरी फकोगो राती घर आइए जल्द रोटी खाने बत्ती चली गई सोने बारी आई बत्ती चली है शर्म होनी चाहिए आखी हूँ तो दिखा दे तुम इन्ना सोच लियो भी अं केडे क मजबूर होंगे भी इतने भी सड़ूं बनैन नहीं पवा दी है बगैर पक्खी कड़ा नहीं होवा है, यह हाल है इतों के पसीना पूंजी पूंजी आती नहीं हो जाती है
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਣੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਠੇ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਸਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟਣੀ ਕੁਸਲੇ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਕੁਸਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਖੀ ਮਤ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ